పెరిగిన నిత్యావసర ధరలపై కర్ణాటక హుబ్లీలో నిరసనకు దిగింది యూత్ కాంగ్రెస్. ధరలు పెరిగిన కూరగాయలు, కోడిగుడ్లను బుట్టలో పెట్టి నరేంద్ర మోడీ చిత్రపటానికి అందించారు. సామాన్యుడికి ఆసరాగా ఉంటామని చెప్పిన మోడీ ఇప్పుడు మోసం చేస్తున్నారంటూ నినాదాలు చేశారు. रुपए का जो अंडा हमारे सरकार में बिकता था आज 7 रुपए हो चुका है. 50 रुपए में जो बिकती थी दाल वो आज 120 और 200 रुपए में बिक रही है. प्याज 5 रुपए से 10 रुपए में जो बिकती थी आज 50 रुपए किलो हो चुकी है. पूरा अस्त व्यस्त इस देश का बिगड़ चुका है. जीएसटी ने हमको ऐसी मार दी है कि हमको कोई जॉब नहीं देता. नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री है वो एक बस झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाए हैं. अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन कहाँ गए हम पूछते हैं उनको. जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, 50,000 की कंपनी 80 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की आज बन रही है. गरीब को कोई जॉब नहीं मिल रहा है. 3 करोड़ जॉब का उन्होंने वादा दिया था, अब तक बस सिर्फ 9 लाख जॉब दिए हैं तीन साल में. तो इसलिए आज हम नरेंद्र मोदी को पूछते हैं कि अच्छे दिन का